जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। ये देखिए कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा हमारा आ चुका है। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कितने टाइम में कनाडा जो है टूरिस्ट वीज़ा इशू कर देता है। दोस्तों कनाडा ने ऐसा कोई भी फिक्स टाइमलाइन नहीं बताया है कि हम आपको इतने टाइम में वीज़ा दे देंगे। ये दोस्तों आपके डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है। आपको पता होगा स्टडी वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, स्पॉन्सर वीज़ा, डिपेंडेंट वीज़ा, ट्रैवल वीज़ा, बहुत सारे बिजनेस वीज़ा, काफ़ी सारे तरह के वीज़े होते हैं। और आपको पता होगा सबसे ज़्यादा वर्कलोड है दोस्तों वो भी कनाडा की एम्बेसी पर ही है। बहुत सारी फाइलें हैं इंडिया से लगती है, तो ये मोस्टली जो है जब आपकी कितनी फाइल्स वहाँ पे पेंडिंग पड़ी है, कितने ऑफिसर वहाँ पे उसको प्रोसेस कर रहे हैं, इसके ऊपर डिपेंड करती है। अब मैं आपको दो केस बताना चाहूँगा दोस्तों, एक तो हमारा केस बताना चाहूँगा और एक हमारे किसी क्लाइंट का केस बताना चाहूँगा। हमारे केस के अंदर क्या हुआ था दोस्तों, हमने 16 अक्टूबर 2023 को फाइल हमारी अप्लाई की थी, मतलब हमने फाइल सबमिट कर दी थी और हमारी फीस जो थी $100 जो कि 6,000 रुपए के अप्रोक्सीमेटली थी वो हमने भर दी थी। इसके बाद में क्या होता है दोस्तों, जब आप बायोमेट्रिक करवा देते हैं तो बायोमेट्रिक के बाद में आपकी फाइल बिल्कुल सबमिट मानी जाती है। बायोमेट्रिक के बाद में दोस्तों आपको पता होगा कि सारा प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाता है। तो हमने 16 अक्टूबर को हमारी फाइल लगा दी थी और हमारी बायोमेट्रिक ऑलरेडी हो चुकी थी। तो 16 अक्टूबर से लेकर के 16 नवंबर दोस्तों कोई भी वीजा का रिजल्ट कुछ भी नहीं आया था। 21 नवंबर 2023, मतलब 16 और 5, एक महीना और 5 दिन, 35 डेज के बाद में हमें एक सुबह रात को 12 बजे 1:30 बजे एक मैसेज आया था कि आपकी जो है एक हमने अपडेट दिया है उसे आप देखें। जब हमने दोस्तों लॉगिन किया तो वहाँ पे आ रहा था कि आपका जो योर फाइल वाज अप्रूव्ड, कि आपकी फाइल है, एप्लीकेशन है, अप्रूव्ड हो गई है, यू नीड टू सेंड योर पासपोर्ट फर्दर प्रोसेस, आपको आपका पासपोर्ट भेजना पड़ेगा। दोस्तों इनका स्टिकर वीज़ा लगता है कनाडा का, तो मतलब 16 और 16, एक महीना और 5 दिन के बाद में हमें PPR आया था जो कि पासपोर्ट रिक्वेस्ट होती है। इसके बाद में क्या करना पड़ेगा, आपको VFS के अंदर अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी या तो आप खुद से जाकर के पासपोर्ट को सबमिट कर सकते हैं जिसका कोई भी खर्चा नहीं लगता है, या आप कुरियर के माध्यम से दोस्तों इस पासपोर्ट को वहाँ पर भेजेंगे। फिर क्या होगा, वो वाले आपका पासपोर्ट ऐसे स्टिकर लगाएंगे और उस पर यहाँ पर प्रिंट करके आपको वापस दे देंगे। तो इसका टाइम क्या लगता है दोस्तों, तो हमने दोस्तों मंडे को अप्लाई किया था और अगले मंडे को हमारा जो पासपोर्ट है वहां से डिस्पैच हुआ था। तो मतलब 9 से 10 दिन, आप हफ्ते से 10 दिन का टाइम मान के चलें, और उससे पहले हमारे जो है 35 दिन लग गए थे। तो ओवरऑल दोस्तों 45 डेज, मतलब 1.5 महीने के अंदर हमारा जो वीजा आया था। एक और क्लाइंट का, हमारा जो क्लाइंट था दोस्तों उसने हमसे डॉक्यूमेंट बनाए थे, उसका जो टाइम लिमिट था उन्होंने 12 दिसंबर 2023 को फाइल अप्लाई की थी और 18 दिसंबर को, मतलब 6 दिन के अंदर अंदर ही उनकी PPR आ गई थी, पासपोर्ट रिक्वेस्ट आ गई थी कि आप अपना पासपोर्ट भेजिए, हम आपको इसके ऊपर आपका स्टिकर लगा करके दे देंगे। तो इस तरह से कोई भी फिक्स टाइमलाइन नहीं है, हमारे केस में 35 डेज, एक क्लाइंट के केस में 6 डेज। आपके डॉक्यूमेंट वगैरह सब ओके हैं, अच्छे से आपने फाइल लगाई है दोस्तों, तो आपका वीजा 1 महीने से पहले पहले आ जाना चाहिए। तो इस तरह से आपकी टाइमलाइन है, आप चेक कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी डाउट हो दोस्तों, क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, किसी भी तरह की हेल्प चाहिए हो आपको कनाडा टूरिस्ट वीजा से रिलेटेड, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।